दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी थ्योरी में ध्यान रखिएगा बहुत ही शानदार वीडियो एडमिटेंस एंड इम्पीडेंस दोनों के बीच में जो है अंतर और इनके बीच में जो संबंध है रिलेशन है और उनको समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ना इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है आपस में किस तरह से क्या क्या समानताएँ हैं इन सभी को अपन आज विस्तार से पढ़ेंगे। क्या भिन्नता है, क्या समानता है, क्या संबंध है, किस तरह से समांतर श्रेणी में जोड़ेंगे, किस तरह से समांतर में जोड़ेंगे, इन सभी चीज़ों पर अपन चर्चा करेंगे आज एक एक करके सारा विस्तार से। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको दो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि प्रतिबाधा किसे कहेंगे, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। प्रतिबाधा का मतलब होता है यहाँ, अगर इसको अपन सबसे पहले क्लियर करें कि ये प्रदर्शित करेंगे तो किससे करेंगे, तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि इसे अपन प्रदर्शित करते हैं सीधा सीधा जेड से। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब जब जेड से अपन प्रदर्शित करेंगे तो ये बात भी क्लियर हो जाना चाहिए, जेड बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर ये भी क्या क्लियर होना चाहिए, जेड बराबर क्या होगा, वाई। वाई का मतलब क्या होता है यहाँ पर? एडमिटेंस अर्थात परिवेशिता। जब यहाँ ये चीज़ लागू हुई तो यहाँ पर भी ऐसी ही चीज़ लागू होगी, तो क्या चीज़ होगा, तो यहां पर देखिएगा यही चीज अपन यहां पर कर देते हैं प्रदर्शित। क्या पर क्या कर देते हैं? प्रदर्शित। तो प्रदर्शित की क्या कंडीशंस रहेगी इस पर भी ध्यान रख लो। तो सबसे पहले यहां पर इसको प्रदर्शित करते हैं तो किससे करते हैं? y से। तो y बराबर क्या होगा? तो 1 अपॉन क्या होगा? z। क्या होगा? y बराबर क्या होगा? 1 अपॉन z। तो इस तरह की कंडीशन बन जाती है। तो यह चीज भी आप क्लियर समझ सकते हो। तो दोस्तों एक एक चीज को क्लियर कर सकते हो। तो प्रदर्शित हो गया यहां पर और यहां z से। अब यहां तक दोनों ही चीजें, तो सूत्र भी आ गया और प्रदर्शन भी आ गया। तब जब ये दोनों स्टेप आपके सामने क्लियर हो जाती है तो फिर क्या बनता है इस पर भी ध्यान देने की बात है। देखो दोनों ही चीजें क्लियर आपके सामने प्रदर्शित और यहां पर दोनों ही चीजें बन जाती है तो फिर क्या बनता है, आप इस पर ध्यान दो। तो अगली स्टेप में अपन क्लियरिफाई करेंगे तो किस तरह की कंडीशन बन पाएगी ये चीज भी ध्यान देने की बात है। चलो अब अपन बात करते हैं इसी में ही। तो आगे क्या आता है? ये वन अपन आ गया आपका, तो वन अपन तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ वन अपन आई मतलब विलोम होता है। अब बात करते हैं ये विलोम रहता है क्या? विलोम। अब विलोम जो होता है कौन विलोम, कौन विलोम, तो यहाँ पर ऐसे लिखो जेड। क्या? तो यहाँ पर देखना जेड, जेड की बात करते हैं तो जेड और विलोम, विलोम जेड विलोम किसके होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है वाई के। सीधा सीधा अब आपसे यूं पूछ लिया जाता है इसी क्रम में कि वाई विलोम किसके होता है, वाई वाई व्युत्क्रम किसके होता है, वाई व्युत्क्रम मतलब उल्टा, विलोम वही व्युत्क्रम का मतलब उल्टा ही होता है। तो यहाँ व्युत्क्रम भी आ जाए तब भी एक ही बात होती है, तो परेशान मत होना, व्युत्क्रम ठीक है। तो व्युत्क्रम जो होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है जेड। तो दोनों में अंतर आपको महसूस करा रहा हूँ कि ये है तो ये है, ये इस तरह से आपके विलोम और उत्पन्न व्युत्क्रम होगा। अब यहाँ पर देखिएगा बाधा अवरोध जो होता है, बाधा या अवरोध या रुकावट, क्या बाधा या अवरोध जो होता है यहाँ पर अगर बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो उत्पन्न होता है अर्थात अवरोध जो उत्पन्न होता है वो दो अंश होते हैं, किसके कारण, अवरोध के अंश, अवरोध के जो अंश है वो कौन कौन से अंश है इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इसमें दो अंश होते हैं, दो किस्म होते हैं इम्पीडेंस में, एक तो होता है एक्स और एक होता है यहाँ पर एक्स एल और एक होता है एक्स सी। तो यहाँ दोनों ही चीज़ अपन बात करते हैं, तो एक्स सी और एक्स एल दोनों के दोनों ही जो अंश है ये क्या करते हैं, इसमें बाधा डालते हैं, रुकावट डालते हैं, और ये जो कंडीशन कहलाती है यहाँ पर अर्थात यूं समझिए कि दोनों में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स, और एक्स की जो कंडीशन है अर्थात यूं समझिएगा कि कुल रेजिस्टेंस जो होगा, कुल बाधा जो होगी, कुल अवरोध जो होगा वो आपका क्लियर कर सकते हो। तो एक्स और एल के आधार पर होती है, वैसे ये काल्पनिक है, क्या है कि काल्पनिक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हकीकत में तो देखो प्रत्येक तार में रेजिस्टेंस भी रहेगा ही रहेगा ना, इन दोनों के अलावा भी। तो यहाँ पर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के अलावा भी यहाँ पर दो चीज़ तो होती है जो कि आपके यहाँ पर बाधा होगी। अब यहाँ पर इसमें का अंश के रूप में, तो इसी तरह से यहां पर भी बाधा मान लो, क्या मान लो, बाधा। अब बाधा तो है लेकिन बाधा के साथ में जो अवरोधक अंश है, तो अवरोधक अंश क्या है, अवरोधक अंश, जो अवरोधक अंश है तो अवरोधक अंश की अगर बात करते हैं तो यहां अलग हो जाएगा, वहां जो थे वो यहां पर एक्स एल है, लेकिन यहां एक्स एल ना होकर के क्या होगा, एक तो होगा आर, क्या होगा,
देखिए यहाँ पर तो आपके पर्टिकुलर ये तो होगा ही नहीं, यहाँ दोनों चीजें हैं, यहाँ पर होगा एक तो R, क्या होगा R। अब जब यहाँ पर बात करते हैं तो एक तो R आ गया, दूसरा आपके आ जाएगा तो X आ जाएगा। तो R और X दोनों की दोनों जो बाधा है वो किसमें है यहाँ पर, दोनों की दोनों जो बाधा है वो किसमें है यहाँ पर, Y अर्थात प्रवेशिता में, एडमिटेंस में। तो ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। अब ये आता है इनमें संयोजन वाली बात। तो संयोजन अगर जोड़ते हैं तो यहाँ संयोजन अगर करते हैं मतलब कनेक्शन करते हैं, संयोजन करते हैं, तो इनमें ध्यान रखना है कि यहां जो संयोजन करते हैं अगर समांतर क्रम में संयोजन करते हैं, किसमें समांतर क्रम में संयोजन करते हैं मतलब पैरेलल, समांतर क्रम का मतलब होता है पैरेलल, और पैरेलल में अगर संयोजन किया जाता है पैरेलल, तो यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कंडीशंस कैसी हो जाएगी। सन देखो देखिएगा मैं आपको यहां स्वभाव बता रहा हूं, क्लियर कर लेना, कंफ्यूजन मत रहना, तो ये चीज आपको स्पष्ट हो जाता है। तो स्पष्ट होगा तो ये कैसा व्यवहार करेगा यहां पर मैं बताऊं आपको। तो पहला संयोजन, तो यहां आ गया वन अपॉन में क्या आएगा, यहां पर ध्यान रखना है जेड, क्या आता है वन अपॉन में जेड टी, जेड टी मतलब कुल 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 क्या है इंपीडेंस, कुल इंपीडेंस। तो यहां पर जेड वन आ जाएगा और यहां प्लस में क्या आ जाएगा जेड टू, और यहां पर प्लस में क्या आ जाएगा जेड थ्री, और यहां पर प्लस में क्या आ जाएगा आगे 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 वही ये चीज चलती रहेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस तरह की कंडीशन आपके सामने बन जाती है, तो ये इसका क्या बन जाता है यहां पर सूत्र, और सूत्र किसका बना यहां पर संयोजन का, तो संयोजन का सूत्र बन जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा इसी तरह से यहां पर भी संयोजन होगा, यहां पर भी क्या होगा संयोजन होगा। अब जब संयोजन होगा तो इसका कोई नहीं कोई, जब संयोजन भी कौन सा समांतर, दोनों की संयोजन की अगर बात कर रहे हैं तो पैरेलल की ही बात कर रहा हूं, किसकी पैरेलल, पैरेलल की ही बात कर रहा हूं, दोनों की ही पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहा हूं। पैरेलल कनेक्शन का अगर बात करते हैं तो यहां पर वाई होता है, और वाई की अगर बात करते हैं तो वाई और टी, टी का मतलब कुल 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 प्रवेशियता, कुल इंपीडेंस बराबर होता है यहां पर देखिएगा, तो यहां बराबर होगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस। तो ये देखो ये कैसा व्यवहार करता है, सीरीज और समांतर आपने देखे होंगे, तो यहाँ ऐसा कैसा ही है, तो ये समांतर में व्यवहार कर रहा है, लेकिन समांतर में जो व्यवहार किया जा रहा है आपको पता है एक रेजिस्टेंस होता है, एक होता है कैपेसिटेंस, क्या होता है एक तो होता है रेजिस्टेंस और एक होता है कैपेसिटेंस। और रेजिस्टेंस में आप अच्छी तरह से जानते हो कि क्या कंडीशंस होती है, आप जानते हो उसमें सीरीज क्रम होता, सीरीज में ये व्यवहार होता है किसमें रेजिस्टेंस में, जबकि यही चीज़ जो है यहाँ पर कैपेसिटेंस में होती है, किसमें होती है यहाँ उसमें क्या नाम से कैपेसिटर में, तो ये चीज़ कैपेसिटर में हो जाती है, तो यहाँ दोनों के विपरीत कंडीशंस हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखोगे तो ही क्लियर हो पाएगा, तो इससे कोई भी कन्फ्यूजन आपका नहीं रहना चाहिए। अब इसी क्रम में और अगर मैं बात करना चाहूँगा तो आपके आता है यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज से, किससे आता है त्रिभुज से। अब यहाँ आगे अगर अपन देखना चाहे तो इसी चीज को अपन त्रिभुज से निकालना चाहेंगे, किससे त्रिभुज से, त्रिभुज की अलग अलग स्थितियां बनेगी जिसको अपन यहां पर वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि त्रिभुज क्या होगा, किस तरह की कंडीशन बनेगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर पेश करना चाहता हूं, लेकिन त्रिभुज से बताने से पहले याद रखिएगा इन सबको आप क्या कर लोगे, तो याद रखिएगा कि इन सबको एक बार जो है स्क्रीन शॉट लेकर के जो है आप उतार लो, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। तो पहला क्वेश्चन है प्रदर्शित जेड से सूत्र बन गया वन अपन वाई, प्रदर्शित वाई से वन अपन जेड, दूसरा यहां पर देखिएगा यहां वाई और व्युत्क्रम दोनों जेड, और यहां जेड और व्युत्क्रम वाई के बाधा अवरोध देते हैं एक्सएल और एक्ससी, बाधा अवरोध पैदा करते हैं इसमें। यहां पर देखिएगा यहां अगर बात करते हैं तो यह जो कंडीशन आती है तो आर और एक्स दोनों के दोनों, आर का मतलब रेजिस्टेंस, एक्स का मतलब रिएक्टेंस, क्या तो यहां पर होता है यह क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है रेजिस्टेंस, ठीक है रेजिस्टेंस, यहां होता है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। तो यहां पर देखिएगा इसको बोलते हैं प्रतिरोध, क्या बोलते हैं प्रतिरोध, इसको बोलते हैं प्रतिबाधा, क्या बोलते हैं प्रतिबाधा। तो दोनों की दोनों ही है क्या रुकावट है, दोनों की दोनों ही है क्या रुकावट है, और रुकावट की अगर बात आती है तो ये दोनों ही रुकावट है, इसीलिए सेम कंडीशन यहां पर भी वही चीज है। तो यहां पर क्या बोलते हैं एक तो कैपेसिटिव परिपथ होता है, एक होता है इंडक्टिव, तो इंडक्टिव का मतलब रिएक्टिव इंडक्टिव, और यहां पर कैपेसिटिव इंडक्टिव इंडक्टेंस, ठीक है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और यहां रिएक्टेंस तो आपका एक्स आएगा, तो यहां पर रिएक्टेंस, ठीक है तो यहां इसको बोल सकते हैं कैपेसिटिव और रिएक्टिव। यहां पर देखिएगा तो एक्स से आप समझ सकते हो, मैं शॉर्ट में यहां लिख देता हूं जो बाधा है एक्स एल, मतलब यूं समझिएगा कि एक्स एल का मतलब इंडक्टिव, क्या होता है मैं समझा देता हूं इंडक्टिव, इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, ठीक है यहां पर, ठीक है और एक्स इंडक्टिव रिएक्शन मतलब होता है प्रेरणीय, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, प्रेरणीय प्रतिघात,
ठीक है, प्रेरणी प्रतिघात। दूसरा एक्सेसिव मतलब होता है कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब होता है धारित्व प्रतिघात, धारित्व प्रतिघात, तो प्रतिघात, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं, तो यहाँ चाहे इंडक्टिव हो, इसका मात्रक हो या इसका मात्रक, दोनों की दोनों ही रुकआउट है, परिणाम स्वरूप दोनों का मात्रक क्या होगा, ओम होगा, क्या होगा, ओम होगा। अच्छा, ये बात भी क्लियर है, इसका मतलब ये दोनों भी तो क्या है, बाधा है। जब ये दोनों भी बाधा है तो यहाँ पर भी मात्रक इसका क्या होगा, ओम ही होगा, अर्थात यहाँ मात्रक क्या होगा, ओम होगा। तो ये चीज़ आपको देखना है, छोटी छोटी बातें हैं परंतु मोटी बातें। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाता है एग्जाम में, क्या आ जाता है, न्यू दिया गया है कि एडमिटेंस क्या, किसी ऐसी परिपथ में एडमिटेंस का मान यहाँ पर दे दिया 10, 20 व 30, क्या दे दिया, क्वेश्चन लिख देता हूँ जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया भी है और इस तरह से आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यू लिख दिया कि ये देखिएगा यहाँ पर ये जेई में आया हुआ, लेकिन ध्यान रखना जेई में कहाँ पर, जेई में डी एम आर सी जेई में आया हुआ 2019 में, ध्यान देने की बात है। और ये क्वेश्चन यूँ आया था कि किसी ऐसी परिपथ में प्रवेशियता का मान देखना, किसी ऐसी परिपथ में प्रवेशियता का मान, ध्यान दीजिएगा, प्रवेशियता का मान 10। अब प्रवेशियता का जो है आपका 10, 5 और यहां पर 7, ठीक है, दी गई हैं, तो यहां पर ये कंडीशन आ जाती है, तो आप समझ सकते हो। तो दी गई हैं तो तुल्य प्रवेशियता ज्ञात करो। अब तुल्य प्रवेशियता ज्ञात करनी है, ज्ञात करो तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है। जब इसमें यही चीज है तो यहाँ पर भी यही सेम आ जाएगा, लेकिन इसमें अंतर क्या आ जाएगा, केवल यहाँ पर बटे में चला जाएगा। तो आपके सामने सूत्र तो ये रहा ना, सूत्र के लिए परेशान होने की जरूरत ही कहाँ रही है। जब सूत्र है तो आपको कुछ नहीं लिखना, वाई टी बराबर करना, तो वाई वन का वैल्यू कितना दिया, 10 + 5 + 7, तो यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हो 10 और 5 = 15, 7 कितना होता है, 10 और 5 = 15, 5 = 20 और 2 = 22, ठीक है, यही तो हुआ ना। यहाँ पर अगर पूरा जोड़ते हैं तो 10 से 15 = 2, यहाँ पर 17, यहाँ पर सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 22। अब 22 का क्या होगा, किसका, तो मो ही तो आएगा, यहाँ क्या आएगा, मो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, तो मो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको नोटिस करोगे तब जाकर क्लियर हो पाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए, यही क्वेश्चन इस तरह से जुड़ जाए, तो यहाँ इसका मान दिया तो ये, लेकिन यहाँ ध्यान रखना जब संयोजन कौन सा दिया गया हो, प्रवेशिता का मान, यहाँ पर प्रवेशिता का मान क्या दिया गया यहाँ पर, तो तुल्य, यहाँ पर समांतर शब्द जरूर जोड़ेगा वो, ध्यान रखना। ये वर्ड मैंने नहीं लिखा तो इसको ध्यान रख लेना, ये समांतर नहीं लिखा तो गलत है, क्योंकि समांतर श्रेणी का यहाँ पर ध्यान रखना। तो इस तरह से जो समांतर पद संयोजन किया गया तो उस केस में ही ये लागू हो रहा है, और इस केस में आप देख सकते हो तो इस तरह की कंडीशन आपके सामने है। तो ये चीज आपको क्लियर कर सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या होता सर, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे पढ़ते हैं। उम्मीद है आपने ये उतार लिया होगा और मैंने समय बचाने के लिए आपके लिए नेक्स्ट तैयार कर दिया है, ठीक है। तो अपनी इस पर फिर से वापस शुरू करते हैं कि क्या है प्रवेशिता और यहाँ पर प्रतिबाधा, दोनों की कंडीशन अपन क्लियर करते हैं। तो त्रिभुज से बात कर रहा था मैं, त्रिभुज की बात आती है तो पाइथागोरस प्रमेय आ जाती है, ठीक है। तो त्रिभुज के अनुसार बात करते हैं, तो त्रिभुज से अपन लास्ट में मैंने त्रिभुज पर ले जाकर रोका था आपको और आगे बढ़ रहे थे अपन, तो यहाँ पर फिर से मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ त्रिभुज से, जिससे कि कोई भी कंडीशन छूट ना सके त्रिभुज के अनुसार, ठीक है। त्रिभुज के अनुसार की बात करते हैं, तो इन सबको त्रिभुज के अनुसार समझेंगे, तो त्रिभुज के अनुसार जो अंश पाए जाते हैं उसी के आधार पर अपन चर्चा करेंगे। तो त्रिभुज के अनुसार अपन जो समझेंगे वो समझेंगे पाइथागोरस,
गोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समझेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा, लेकिन त्रिभुज के अनुसार एक को ही नहीं समझेंगे, दोनों को समझेंगे यहाँ पर साथ के साथ ही। तो त्रिभुज के अनुसार जो है दोनों को ही समझेंगे, तो त्रिभुज के अनुसार दोनों की स्थितियाँ लगभग लगभग समान होगी, और उसको भी अपन यहाँ पाइथागोरस के अनुसार समझ रहे तो इसको भी यहाँ पर पाइथागोरस के अनुसार ही समझेंगे, पाइथागोरस के अनुसार ही इसको समझेंगे, तो ध्यान रखने की बात है। तो इस तरह की कंडीशन आपके साथ में हो रही है तो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, तो पाइथागोरस प्रमेय से ही इसको समझेंगे। अब आप कहोगे सर प्रमेय से समझोगे लेकिन कैसे, इसका क्लेरिफाई बताता हूँ आपको। इसको एक त्रिभुज बनाते हैं, लेकिन त्रिभुज बनाने से पहले आपको ध्यान होगा कि इसमें अंशों का अपन जिक्र कर रहे हैं। मोस्टली अगर एडमिटेंस में बात करते हैं कि इसमें एडमिटेंस में, तो इसमें एक्स अंश जो होते हैं वो दो होते हैं, अंश जो होते हैं वो दो होते हैं, जिनका भी हाल में मैंने जिक्र किया है, याद होगा आपको। तो पहला अंश, अगर अंश के अंदर जो समाहित होता है वो एक्स अंश होता है, इस एक्स के अंश के अंदर दो अंश होते हैं। दो अंश में एक तो आता है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो एक्स और एल, और एक आता है एक्स सी। तो एक्स एल और एक्स सी का मतलब यहाँ पर होता है, ये क्या होता है देखिएगा यहाँ पर, प्रेरणीय प्रतिघात। क्या होता है? प्रेरणीय प्रतिघात, नहीं प्रेरणीय प्रतिघात, बिल्कुल सही है, प्रेरणीय प्रतिघात ये होगा। और यहाँ पर देखिएगा दोनों का मात्रक जो होगा, और इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ धारित्व प्रतिघात क्या होगा, धारित्व प्रतिघात। और धारित्व प्रतिघात की बात करते हैं तो इन दोनों का मात्रक क्या होगा, ओम होगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, प्रतिघात रिएक्टेंस। तो दोनों का मात्रक आपको ध्यान रखना है वो होगा ओम, क्या होगा ओम। तो ये बात क्लियर होगी, चलो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ओम मात्रक हो गया, यहाँ तक भी क्लियर है। लेकिन कैसे त्रिभुज के अनुसार, तो मैं एक त्रिभुज की सहायता से आपको इसको समझाना चाहूंगा। तो एक डायग्राम देखिएगा और उससे अपने इसको क्लियर करते हैं, तो आप समझना। सबसे पहले अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं तो इसमें एक डायग्राम बनेगा जो कि इस तरह से त्रिभुज तैयार होगा, ठीक है। तो आप देखिए ये लीजिएगा, अब आपके सामने मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ एक त्रिभुज, और त्रिभुज की ही अगर बात करते हैं तो कैसी स्टेप आपके साथ हो जाएगी, तो ये लीजिएगा। एक होता है त्रिभुज में तीन चीज़ें होती है, एक तो कर्ण होता है, ठीक है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। अपन बात किसके अनुसार कर रहे हैं, पाइथागोरस के अनुसार। और पाइथागोरस में आपको अच्छी तरह से पता है कि ये वाला जो भाग है ये कर्ण है और ये लंब है, ये आधार है, तीन ही चीज़ें ना आप समझो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, पहले कर्ण, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, राइट, कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर बराबर, तो लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस अन आधार का भी स्क्वायर। तो ये चीज़ आपके तीनों क्लियर होगी। जब मैं इसको हटाऊँ, किसको, दो को, ये स्क्वायर को हटाऊँ, तो यहाँ पर कर्ण रह जाएगा, तो ये रूट में आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा, लंब प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये जब दोनों चीज़ होगी तो इस तरह से आपके यहाँ तैयार हो गया। अब अगली स्टेप में अगर बात करते हैं तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समाहित किया गया है, इस चीज को अपन ने किसके अनुसार समाहित किया गया, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। लेकिन अपन चाहते हैं कि इस चीज को अपन यहां लाकर रखते हैं, तो यहां लाकर रखने का सबसे अच्छा देखिएगा यहां पर जो तरीका है मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक चीज अपन त्रिभुज के अनुसार जो बना रहे हैं, अब यहां ये जो चीज अपन ने बनाई थी अभी, उसी पर अपन आगे चर्चा करते हैं, तो विस्तार से लाते हैं, थोड़ा विस्तार से चलते हैं। तो विस्तार से चलते हैं तो इस पर यह चीज आपके सामने बनती है, वापिस बना दिया मैंने लेकिन स्पेस की वजह से। अच्छा बात सुनिए, ये है आपके थीटा कोण, कौन सा कोण है, ये आप जो कोण बना रहे हो, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो है थीटा कोण। तो ये थीटा कोण आपके हो गया, चलो इससे भी निजात मिली। अब अपने पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो पहली कंडीशन में अपन इम्पीडेंस वाला पढ़ रहे हैं, इम्पीडेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ आना चाहिए इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस आपके सामने लिखाया हुआ, तो इसको मतलब इसको यूँ कह सकते हैं एम पे डेन से। अब इम्पीडेंस का मतलब आपके सामने प्रति बाधा, तो यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो चीज है ये है प्रति बाधा। चलो ये भी क्लियर हो गया, तो प्रति बाधा आपके यहाँ पर क्लियर हो गई। चलो इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, लंब के रूप में, ये लंब वाला भाग कर्ण अपना क्लियर हो गया, तो कर्ण को अपने क्लियर कर लिया, लंब वाला भाग जो होगा वो कौन सा होगा इस पर भी चर्चा करते हैं। लंब में अगर बात करते हैं तो रिएक्टेंस होगा, क्या होगा, रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस की अगर बात करते हैं तो रिएक्टेंस ऐसे आता है, रिएक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिघात, क्या होता है, प्रतिघात,
रिएक्टेंस का मतलब था प्रतिघात, तो ये भी क्लियर हो गया। चलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में बचा है यहाँ आधार, जिस पर ये डटा हुआ है, तो आधार की बात करते हैं। तो आधार लास्ट में जो आता है वो आएगा रेजिस्टेंस। क्या आएगा? रेजिस्टेंस। तो इस तरह से कंडीशन आप समझ सकते हो, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। तो तीन चीजें आपके सामने डाल दी मैंने। अब इसको आप अच्छी तरह से जानते हो कि यहां प्रतिबाधा को अपन किससे व्यक्त करते हैं? जेड से। किससे? प्रतिबाधा को जो व्यक्त करते हैं वो करते हैं जेड से। किससे? जेड से। तो ये आपके सामने जेड आ गया सीधा सीधा, ठीक है। तो प्रतिबाधा क्लियर होगी। अब बात आती है यहां पर प्रतिरोध को किससे, रिएक्टेंस को किससे व्यक्त करते हैं? तो यहां याद रखना आपको एक्स से। किससे? एक्स से। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब यहां रेजिस्टेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ये भी याद आपको आर से। तो ये आपके एक चित्र बन गया, एक डायग्राम बन गया। इससे आपको क्लियरिफाई हो रहा कि कैसे बना। अब ये जो कॉलम बनाया था मैंने यहां पर, तो इसी आधार पर इसको आगे ले लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए उठा लेते हैं यहां पर प्रतिबाधा को। प्रतिबाधा को उठाते हैं तो इसमें जेड उठा लेते हैं सीधा सीधा। क्या उठा लेते हैं? जेड। तो जेड का स्क्वायर, राइट, जेड का स्क्वायर। ये के का स्क्वायर सेम जेड का स्क्वायर, बराबर की जगह बराबर। अब यहां एल का स्क्वायर, तो एल का लंब होता है, तो लंब की जगह यहां एक्स, तो एक्स की एक्स ले लो, या फिर यहां पर आर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। इसको लो या इसको लो, कोई परेशानी नहीं हो, तो यहां आगे पीछे ले सकते हो, इसमें परेशानी आपको नहीं होगी। तो मैं यहां आर ले लेता हूं। अच्छा, आर का स्क्वायर, अब आर का भी स्क्वायर हो गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो फिर बचा क्या? एक्स। एक्स का भी स्क्वायर आ गया। मैं आपको यहां पर एक्स इसलिए पीछे ले आऊं क्योंकि एक्स दो प्रकार के आएंगे, जो पीछे अपन इसको रोल प्ले करेंगे। तो ये चीज है। अब मुझे क्या लगा कि देखिएगा यहां जेड की तो कंडीशन, अपने इस स्क्वायर को हटा दूं, ये जो स्क्वायर लगा इसको गायब कर दूं। चलो इसको यहां से गायब करते ही सीधा ये रूट में कन्वर्ट हो जाता, और रूट में कन्वर्ट होते ही ये आर स्क्वायर प्लस की जगह प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर एक्स का भी स्क्वायर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, दोनों तो चीजें बनी हुई, यहां से रूट गया, यहां से ये स्क्वायर गया तो रूट में कन्वर्ट हो गया, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब ये तो एक्स स्क्वायर सरल लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ तीन दो प्रकार की ये भी तो कंडीशन है ना, एक्स सीर एक्सएल। तो एक्स सीर एक्सएल की क्या कंडीशन बनेगी, क्योंकि आपको तो अच्छी तरह से पता है कि तीन प्रकार के होते हैं यहाँ पर। तो तीन प्रकार के क्या होते हैं? सर्किट। तो परिपथ अगर बात की जाए, परिपथ का अगर बात की जाए, तो परिपथ जो होते हैं भाई वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। और तीनों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर अगर अपन लेते हैं, तो पहले नंबर पर देखिएगा यहाँ पर अगर बात की जाए तो फर्स्ट नंबर की जो कंडीशन आएगी तो वो जेड से ही निकल के आएगी। लेकिन कैसे आएगी इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ जेड, तो जेड, तो सबसे पहला नंबर का देते हैं अपन यहाँ एक्स सिक्या, मतलब एक तो होता आर तो हो गया होगा, तो आर और यहाँ पर L, ठीक है, L का मतलब इंडक्टिव, RL सर्किट, ठीक है, RL सर्किट। तो RL सर्किट, RL परिपथ जो ले लिया, अब RL परिपथ में सबसे पहली स्थिति आपकी जो बनेगी वो बनेगी Z, ठीक है, Z की तो जगह Z। अब यहाँ पर सीधा सीधा मैं स्क्वायर स्क्वायर नहीं ले रहा, सीधा यहाँ रूट में डाल रहा हूँ, ठीक है। अब रूट में डाल रहा हूँ तो रूट में क्या डालूँ, तो ध्यान दीजिएगा आप, एक तो R का R हो जाएगा, तो R का तो स्क्वायर आ ही जाएगा, प्लस की जगह यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ L था तो इस X की जगह यहाँ पर X L का स्क्वायर आ जाएगा। इतना सख्त फर्क पड़ गया, तो x l l आ गया, तो l का स्क्वायर आ गया, ठीक है, क्योंकि दो कंडीशन है मैंने यहां पर लिखी है ये पहले ही। अच्छा, एक बात तो क्लियर होगी। अब दूसरी एक और है जिसको अपन बात कर सकते हैं। तो यहां पर r l के बाद आता है r c सर्किट। क्या आता है? r c सर्किट, जो कि दूसरे नंबर का है। अब दूसरे नंबर की जो कंडीशन आती है तो उसमें क्या आता है ये चीज भी ध्यान रखना है। तो ये z की कंडीशन आ जाती है, तो z बराबर क्या होगा, तो ये चीज आपको देखना होगा। तो यहां पर देखिएगा ये चीज R है, क्या है R का, तो R स्क्वायर आ जाएगा, इसमें कुछ दिमाग न लगाना, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, X की जगह X, L की जगह क्या आ जाएगा C आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो बोलो C आ जाएगा। तो ये चीज भी आपको क्लियर होगी, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई दिक्कत आपको। अब आता लास्ट में जो है R और L और C, तीनों के तीनों हो गए, तो ये तीसरे नंबर का स्टार्ट हो गया। तो तीसरे नंबर के में क्या आता है, तो जेड बराबर जेड की तो जगह जेड है, जेड कहीं बदलाव नहीं ले रहा, तो यहाँ पर बदलाव कहाँ आ रहा है, तो आर की जगह भी आ रही है, ये भी कहीं परिवर्तन नहीं कर रहा, तो यहां पर भी दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा बात सुनिएगा, इसमें एक और बात बताता हूं, तो आपको यहां पर देख लेना इस तरह की कंडीशन हो रही है जो आप देख पा रहे हो। तो इसमें मैं क्या करूं कि यहां पर देखिएगा अब क्या होता है कि मैं लेता हूं प्लस, प्लस की जगह तो प्लस, लेकिन यहां पर कोष्टक में ले लेता हूं एक्स एल
अब ये सिंबल जो बनाया मैंने यहाँ, जो छोटा या बड़ा होगा ना वो पहले आ जाएगा और उसमें से वो घट जाएगा, ठीक है। अंतर है एक तरह से, क्या है अंतर, इसको अपन अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर। बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। तो ये कंडीशन आपके यहाँ पर बन गई। तो इस तरह की कंडीशनें यहाँ से बनी है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके फॉर्मूले जनरेट हुए हैं। क्या हुए हैं? फॉर्मूले, जो कि तीन प्रकार के, ये जो अपने पथ बनाए थे परिपथ, उसी के आधार पर आए हैं, जो आप देख सकते हो। अब इसमें समस्या क्या होती कि सर अगर बाय द वे केस में उसने ये ना पूछ करके उसने ये पूछ लिया तो, ये पूछ लिया तो, ये पूछ लिया तो, यहाँ आर पूछ लिया तो, यहाँ आर पूछ लिया तो, यहाँ एक ये पूछ लिया तो, कुछ भी पूछ सकता ना, ऐसे कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ आर पूछ लिया तो कुछ भी नहीं कह सकते दोस्त, हाँ ऐसा इसमें ही पूछ सकते हैं। तो कोई भी मैं एक ले लेता हूँ, तो इसको ले लेता हूँ कॉमन वाले को, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। चलो मुझे लगा कि उसने आर पूछ लिया या एक्स पूछ लिया, राइट। तुम जो कहना चाहते वो लिख दो, एक लिख दो, बोलो कौन सा लिखूं, एक्स वाला लिख दूं, एक्स वाला लिख दूं, चलो कोई बात नहीं। तो मैं एक्स को आगे ले लेता हूं। चलो यहां पर बराबर देखेगा, एक्स की जगह तो एक्स आ गया। अब एक्स की जगह मैं यहां पर वो ले लिया आगे, तो इसके बाद जो कंडीशन आई है वो आई है रूट वाली। अब रूट की जगह यहां पर जेड कहां चला जाएगा, इसकी जगह, तो ये जेड यहां आ गया। अब जब जेड यहां आ गया तो यहां प्लस की जगह जो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो यहां पर जो है क्या आ जाएगा, एक्स ऊपर अपने ले लिया था, तो यहां पर आर स्क्वायर तो जेड स्क्वायर और माइनस यहाँ स्क्वायर तो लगेगा, ध्यान रखना स्क्वायर लगाना मत भूलना। तो ठीक है, ये स्क्वायर मैंने लगा दिया, माइनस से यहाँ पर क्या बचा, आर स्क्वायर, तो ये बच गया। तो बोलो कोई दिक्कत, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत। ऐसे कैसे आप तीसरे नंबर का भी ज्ञात कर सकते हो? अगर आपको लगता है कि नहीं जेड नहीं पूछा उसने, तो सर आर पूछ लिया, एक्स नहीं पूछा तो आर पूछ लिया, तो आर 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 भी ले सकते हो। आर यहाँ पर देखिएगा बराबर, आपके यहाँ पर जो कंडीशन है आर बराबर रूट। अब रूट में यहाँ पर देखिएगा आर इधर ले लिया तो जेड वहां पर चला गया, जेड का स्क्वायर माइनस क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, तो ये जेड यहाँ आ गया, इतना सा क्या फर्क पड़ा, ये प्लस की जगह माइनस हो गया। तो इसमें से कोई भी सूत्र किसी भी प्रकार से लग सकता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये कंडीशनें बनती है जो कि आपको मैंने यहाँ पर बताई है, समझ सकते हो, इसको क्लियर कर सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये था प्रतिबाधा का, किसका था, इंपीडेंस का। ये था इंपीडेंस का, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, क्लियर कर सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहना चाहिए। अब किसकी बात आती है, त्रिभुज के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार प्रवेशिता, एडमिटेंस की। तो एडमिटेंस की जब बात आती है, तो एडमिटेंस में अपन क्या लिखेंगे, सेम सेम, जैसा जैसा ये है वैसा की वैसा ही अगला आ जाएगा एडमिटेंस में, और कुछ भी अंतर नहीं है। चलो आ जाइए मेरे साथ में त्रिभुज के अनुसार, इसको भी मैं ऐसे ही बना देता हूं। इसमें जो अंश होते हैं, इसमें दो अंश थे, इसमें भी दो अंश है, तो अंश यहां पर भी होंगे, ठीक है, अंश यहां पर भी होंगे जो अवरोध पैदा करते हैं, वो भी कितने, दो। तो दो का अपन बात करते हैं, तो जो दो अंश है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको मैं यहां पर अभी अभी बताया था, तो इसमें एक तो होता ससेप्टेंस, एक होता कंडक्टेंस, दोनों के दोनों होते हैं। एक तो होता ससेप्टेंस, मैं लिख देता हूं जिससे कोई असुविधा ना हो आपको, तो लिखिए यहां ससेप्टेंस, ससेप्टेंस, ठीक है। ससेप्टेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ ये भी ध्यान रखना, एक होता है कंडक्टेंस, दो चीजें हैं ससेप्टेंस और कंडक्टेंस, यहाँ पर क्लियर कर लेना है। जिस प्रकार से यहाँ ये क्लियर किया है प्रेरणी प्रतिघात, ऐसे ही वहां पर भी क्लियर कर लेना। तो ससेप्टेंस और यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना। तो दो अंश होते हैं, कितने अंश होते हैं, दो। तो अंश की अगर बात करता हूं मैं, तो यहाँ अंश आए हैं इसमें दो अंश, और दो अंश की अगर बात करते हैं तो दो अंश में कौन कौन से हैं, ये चीज अपने सीखी है। तो यहाँ एक ससेप्टेंस आता है, एक आता है क्या, कंडक्टेंस। अब ससेप्टेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से, किससे, बी से। तो इसको तो बी से प्रदर्शित करते हैं, और इसको करते हैं अपन यहां जी से। तो ये चीज आपके तो बी और जी, तो यहां पर दोनों क्लियर हो गया, तो ये चीज आपको क्लियर। अब इसको बोलते हैं ससेप्टेंस को प्रतिकार्यता, क्या बोलते हैं, प्रतिक्रियता, ठीक है, प्रतिक्रियता बोलते हैं। चलो इसके क्या बोलते हैं, तो चालकता बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चालकता। अब चाहे यहाँ चालकता हो या प्रतिकारिता हो, दोनों का मात्रक जो होता है वो मोह होता है, क्या होता, मोह, या फिर यहाँ पर बात करते हैं तो सीमेन होता है, क्या होता है, सीमेन या फिर साइमन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, सीमेन या साइमन होता है। तो इस तरह की कंडीशन आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो दो अंश थे जो कि इसके आपको मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब आते हैं
त्रिभुज के अनुसार, तो त्रिभुज के अनुसार इन्हीं अंशों को अपन डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर क्या कंडीशन आ जाती है, तो अपन यहाँ पर इसी तरह से समझिए, जैसे ये डायग्राम बना है इसी के आधार पर अपन एक और डायग्राम बनाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो आइए मेरे साथ में, तो अपन चलते हैं, ये लीजिएगा लंब और ये लीजिएगा आधार, ये लीजिएगा कर्ण, राइट। चलो तीन चीज अपन को लेनी है, तो यहाँ पर ऐसा कैसे समझना, ठीक है। अब अपने यहाँ पर आपको साफ साफ यहाँ पर ध्यान हो, तो इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं आधार, राइट। यही बात समझाई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, ये देखिएगा उसी के आधार पर, तो इसको तो मुझे बनाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ समझा दी है, तो वही सेम चीज वहां समझाए आई थिंक सही नहीं है। ओके राइट, अब बात समझिए, यहाँ पर ये है आपके थीटा कोण, कौन सा कोण है, ये थीटा कोण है यहाँ से लेकर के, अब ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ ये आएगा एडमिटेंस, तो एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस, देखना ये चीज होती है, एडमिटेंस को बोलते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, प्रवेशयता। तो मैं यहां पर स्पष्ट रूप से लिख रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रख रहा, आपको क्लियर रूप से समझा रहा हूं। अच्छा, यहां नीचे नीचे जो आएगा और ऊपर क्या आएगा, तो दो चीज आपके पास बचगी। तो ऊपर की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या चीज आएगी, जैसे अपने यहां लिखा है वैसे के वैसे यहां पर भी आ जाएगा, तो यहां आएगा ससेप्टेंस। अब ससेप्टेंस क्या होता है, मैं आपको यहां लिख देता हूं, तो इधर देखिएगा, यहां टेंस, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिए, ससेप्टेंस को क्या बोलते हैं, अनुक्रियता, क्या बोलते हैं, अनुक्रियता या प्रतिक्रियता, ठीक है, अनुक्रियता या प्रतिक्रियता। अच्छा, लास्ट में यहां एक और रह गया है जो है कंडक्टेंस, क्या है, कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस को बोलते हैं यहां चालकता, बोलो क्या बोलते हैं भाइयों, बोलो चालकता। चलो यहां आपको अच्छी तरह से पता है कि प्रवेशयता मतलब एडमिटेंस को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यह बात आपको याद होना चाहिए, इससे क्लियर होगा आपको, तो इससे वाई से, ठीक है। और यहां पर देखिएगा इसे बी से, किसे, बी से, और यहां पर कंडक्टिविटी को यहां पर जी से, ये लिखा मैंने ऑलरेडी, पहले ही क्लियर होना चाहिए आपको, डाउट नहीं होना चाहिए। तो वही चीज मैंने यहां मेंशन कर दी, अब आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये वाई आपके किस जा रहा, कर्ण, तो यहां पर सेम कंडीशन वही आ जाएगी जो यहां देख रहे हो आप, इसी तरह से मैं यहां लिख देता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वाई, तो यहां वाई को आगे लिया, ठीक है, और वाई का स्क्वायर कर दिया, राइट, वाई स्क्वायर बराबर, अब क्या आता है, यहां पर देखो इसको ले लो या इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है पर, तो जी भी ले सकते हैं, वी भी ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अपने ले लिया यहां पर, वहां पर जो अपने लिया ना उसका विलोम ले लो, यहां बी ले लो, बी का स्क्वायर, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर जी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी का स्क्वायर, ये चीज है। अब आपको अच्छी तरह से अवगत है, जैसे कि आप जानते हो कि अगर वाई में से मैं स्क्वायर हटाता हूं, वाई में से मैं स्क्वायर हटाता हूं, तो मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है, रूट। अब रूट में यहां पर क्या आ जाएगा, बी, क्या आ जाएगा रूट में, रूट में आ जाएगा आपके लिए बी, तो बी का तो स्क्वायर रहेगा प्लस की जगह प्लस, जी का भी स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहां पर उसका मन होता है कि वह आपसे यहां बी पूछ ले, तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो वो बी को आगे ले आएगा और यहां बराबर लिख देगा, तो बी को आगे ले आएगा, तो इस केस में जरूरी नहीं है कि बी को आगे ले आया तो यूं नहीं होगा, तो यही सेम चीज होगी, तो बी को स्क्वायर में भी हो सकता, तो b स्क्वायर भी दे दिया सीधा सीधा, तो बराबर यूं भी तो हो सकता है ना, तो यहां पर क्या हो सकता है, तो y का भी स्क्वायर आ जाएगा माइनस में g का स्क्वायर आ जाएगा, तो इतना सा का फर्क पड़ जाएगा और कुछ नहीं, बस। अब यही चीज है, अगर इसी को वो किस में डाल देता है, b यहां पर रूट में डाल देता, तो रूट में डाल देगा तो स्क्वायर गायब हो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसमें सीधा सीधा y का स्क्वायर माइनस g का स्क्वायर, ये लो कहां दिक्कत, तो किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। अब उसका मन हुआ कि मुझे तो यहां क्या चीज पूछनी चाहिए, तो वो जो चीज पूछना चाहे वो पूछ सकता है, स्वतंत्र, उसके लिए कोई बात देता नहीं है। तो यहां पर अगर उसका मन हुआ कि नहीं मुझे तो बी नहीं, मुझे तो जी चाहिए, तो जी भी ले सकता है, तो जी उसने आगे ले लिया, तो जी का स्क्वायर बराबर, अब जब जी का स्क्वायर लगा दिया तो यहां पर क्या आएगा, वाई का स्क्वायर, क्या आएगा, वाई का स्क्वायर, यहां पर माइनस में क्या आ जाएगा, यहां पर देखिएगा बी का स्क्वायर, तो ये चीज आप देख सकते हो। अब इसमें उसका मन होगा कि यहां मुझे तो केवल जी, तो इसका मतलब ये रूट में चला जाएगा, सेम कंडीशन में वाई का
स्क्वायर आ जाएगा माइनस यहाँ पर किसका बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज आपके इस तरह से सवाल और सूत्र बन जाते हैं और उसके आधार पर आपको करना होता तो यहाँ वाई का मान दे देता वो बी का मान दे देता आपको निकालना होता। फिर बच्चा कंफ्यूज होता कि सर कैसे आएंगे सवाल कैसे आएंगे, तो सीधा सीधा सूत्र भी आ जाता है सवाल भी आ जाता। देखिएगा आजकल वो पुराना वाला पैटर्न मेरा 2014 में 12 में 13 में 10 में आया करता था, अब जमाना बदल गया है तो स्टैंडर्ड तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा, स्टैंडर्ड तरीके से भी समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा हल, तब जाकर के अपन आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो ये मेरा मानना है, इस टाइप से डिटेल में और डीपली आपको पढ़ना होगा, सवाल भी करना होगा, तब जाकर के आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कंटिन्यूस बनो, क्योंकि लेंथी वीडियो भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और ये मैंने आपको विस्तार से एक एक चीज को इसमें क्लेरिफाई किया है, कोई भी चीज आपका कंफ्यूजन में किसी प्रकार से नहीं रखा है। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ रही थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से कुछ सवाल बता दो जिससे कि आपकी क्लेरिफाई हो जाएगी, सर इससे सवाल भी आते हैं तो कैसे आते हैं या वो डिफिकल्ट सवाल आते हैं। एक बात और बताता हूँ आपको कि ये जो चैप्टर करा रहा हूँ चाहे इसमें से या इसमें से, मेट्रो में हर बार सवाल पूछा जाता फिक्स है, इसमें से पक्का हर बार क्वेश्चन आता है। यहाँ आप बात करते हो MPPCGL की अगर बात करते हो तो उसमें भी अक्सर हर बार आता है। लास्ट टाइम टेक्निकल हेल्पर के 2018 के जो पेपर है उसमें चार पेपर में ये सवाल मिले हैं आपको। मैं बताता हूँ संख्या चेंज होती है, बाकी चीज़ आपको क्लियर बताता हूँ कि इन दोनों में से सवाल आपको मिलेंगे और वो भी न्यूमेरिकल सवाल, कौन से न्यूमेरिकल सवाल आपको करने पड़ेंगे, तो ये चीज़ मैटर करती है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ले लो, DRDO ले लो, ITI का हर बार एग्जाम में अगर इसमें से क्वेश्चन ना आए तो दावा मेरा है चैलेंज है। तब मैं इसमें ये नहीं लिखूंगा कि किस एग्जाम में आया, तो लगभग सभी में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, संख्या बदल जाती, पैटर्न वही का वही रहता है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। चलो अब आपको यहां पर ये तो बात क्लियर हो गई कि किस तरह के सवाल आते हैं, क्या आते हैं सर, किस तरह की क्या-क्या कंडीशन आती है, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि सवाल किस तरह का आएगा। तो यहाँ पर पूरा पैटर्न बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ पैटर्न बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि किस में आया है कैसे आया। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं पैटर्न क्लियर करना हूँ क्योंकि अक्सर हर बार देखने को मिलता है ये जो, हाँ आप देखिएगा लेटेस्ट में DMRC में जो आया वही मैं दे देता हूँ, चलो आपको देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या था सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन जो है अपना उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है और उसी को अपन यहाँ पर ले लेते हैं, तो लीजिएगा ये लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन पर अपन चर्चा करते हैं तो इस पर एक चीज आपको क्लेरिफाई हो जानी चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लीजिए ये लो आपके सामने क्वेश्चन, यू था यदि किसी एसी पथ में, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है, यदि किसी ऐसी पथ में, ठीक है ऐसी पथ में प्रवेशीयता का मान 25 मो एवं, ध्यान रखना ऐसी पथ में प्रवेशीयता का मान 25 मो एवं चालकता का मान एवं चालकता का मान एवं चालकता सीधा मान लिखने की जरूरत है एवं चालकता 15 सीमेन बोलो या साइमन बोलो या मो बोलो सीमेन की है। तो देखो दो चीज दे दी इसमें से, यहाँ देख लो एक तो दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पर y, एक के दे दे g, तो यहाँ पर पूछा अनुक्रियता क्या होगी, तो अनुक्रियता का मान बताइए। अब बच्चे के सामने जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं पहले तो लैंग्वेज ही परेशान करती है, फिर इसको बताना सूत्र याद होना चाहिए, अगर सूत्र याद नहीं है तो फिर आगे करना होगा उसको। तो ये है अपने पास में सूत्र, चलो इस सूत्र से आपको निकालने की कोशिश करना है, तो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए क्यों परेशान होते हो आप, आ जाइए मेरे साथ में। तो आपको तो ये स्क्वायर हटा दो, चलो इससे भी क्या मतलब आया स्क्वायर फिस्क्वायर से, तो आपको जो चीज़ें गीवन है दी गई है उस पर ध्यान देना है। तो इसमें ढूंढो क्या क्या दी गई, प्रवेशीयता दी गई 25 में, तो प्रवेशीयता को बोलते हैं यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर प्रवेशीयता दी गई। अब जब प्रवेशीयता दी गई तो इसको आप बोलते हो y, और y जो दी गई है तो वो कितनी दी गई 25,
कितनी दिख रही, 25 mho, ठीक है 25 mho। तो ये चीज तो क्लियर होगी। चलो दूसरे नंबर पे क्या दिया गया, तो दूसरे नंबर पे एक और चीज दी गई, चालकता। तो चालकता भी दी गई, तो चालकता की अगर बात करते हैं तो ये जी दी गई है, जी बराबर कितनी दी गई, 15, ये 15 और ये 25, ठीक है राइट। देख के लिखना, आपको तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। जब 15 और 25 यहाँ पर है तो ये दोनों ही चीज आपके सामने क्लियर होगी। अब इससे आगे अपने को करना, चलिए अब आप जानते हो अच्छे तरह से, अपने पास यहाँ सूत्र ये था। अब जो चीज अपन से पूछी गई वो क्या है, पूछने में उसने जरूरी नहीं यहाँ ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, अभी ये पूछी है तो अभी ये पूछी है, तो इसके आधार पर करना। तो इसका मतलब अनुक्रियता पूछी, तो अनुक्रियता आपको बताना है। तो अनुक्रियता जब आपको ज्ञात करना है तो इसका सूत्र चाहिए आपको, अनुक्रियता मतलब बी। तो ये क्या करना है, ज्ञात करना, तो सूत्र चाहिए। तो सूत्र कहाँ से लाओगे, ये रहा सूत्र। इसमें तो कोई अनुक्रियता का सूत्र नहीं दिया सर, यहाँ तो जो है किसका दिया है, प्रवेशियता का दिया, एडमिटेंस का दिया। अरे भाई इतना सा की तो करना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, याद होगा अच्छे तरह से। तो इसको क्या करना, ये पूछा रहे बी, तो इसको आगे ले आओ, तो क्या होगा, बी का स्क्वायर। ओके डोंट वेरी, अब क्या बचा आपके यहाँ पर, वाई का स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो किसका होगा, जी का स्क्वायर। बोलो सूत्र बन गया आपके लिए। अब जब सूत्र आपके लिए ये बन गया तो इसमें कुछ भी नहीं करना, इस सूत्र को नीचे ले आओ। नीचे ले आया तो मैं क्या करता हूँ, बी ज्ञात करना है, तो बी लिख दिया, स्क्वायर को बैठा दिया, स्क्वायर जब हटा दिया तो बी बराबर, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये हटते ही यहाँ पर रूट चला गया। अब रूट आ गया तो यहाँ वाई का मान कितना गिवन है, हाँ देखिएगा यहाँ पर y का मान कितना गुणन, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, y y की जगह तो y स्क्वायर, माइनस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, जी का स्क्वायर। तो जो चीज़ आप रखी है वो रख दो, कैसे रखे, मैं बात करता हूँ बी की, तो बी की, तो बी की जगह रह गया, तो यहाँ रूट, रूट की रूट जगह रह गया। अब यहाँ वैल्यू की बात करते हैं, ये कितना है 25, कितना है देखो, ये रहा 25। अब 25 तो यहाँ 25 रख दो ना, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, उसमें क्या जोर आ रहा, प्लस है तो प्लस लगा देते, माइनस है तो माइनस लगा दो, तो ठीक है। यहाँ प्लस क्यों नहीं आया, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ इधर का इधर लगा गया, तो क्या हुआ, जब माइनस में चला गया पक्षांतरण करने पर, तो ये कंडीशन हुई। तो अब क्या करते हैं, जी, जी का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके सामने ये क्लियर होगी। अब जी का यहाँ स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर 15 लिख सकता हूँ मैं आराम से, क्या लिख सकता हूँ 15, तो 15 का भी मैंने स्क्वायर लिख दिया, चलो ये कोई दिक्कत। अब आपके सामने समस्या जो है ये नहीं है, समस्या तो ये है कि सर 25 का स्क्वायर कितना होता, तो 25 को 25 से गुणा करो। अरे भाई दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, 25 × 25 बराबर 625, बात खत्म। इस पर कोई भी जोर देने की जरूरत नहीं है। अब जब 625 आपके लिए आ गया यहां पर, तो 625 माइनस माइनस कितना करेगा, 15 का भी स्क्वायर करना, तो 15 का स्क्वायर कितना होता, नहीं समझ में आता, तो 15 × 15 बराबर कितना होता, 225। तो ये कर लो, गुणा तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहां से आ गया कितना, 225। अब 225 और 625, तो यहां दो चीज है। अब आपको अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि यहां 225 में 625 में से 225 घटाएंगे तो सीधा 400 तो बचेगा ना, और जब 400 यहां बच रहा है, 400 जब यहां बच रहा तो आपके पास क्या बच गया, रूट में कितना बच गया, 400, और 400 का रूट कितना होगा, तो यहां आपको पता है, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 20, कितना आ जाएगा 20। तो 20 क्या आया, 20 प्रवेशियता, 20 एडमिटेंस, 20 y का मात्रक होगा mho या सीमेन या ओम इनवर्स, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, तो इस सीधा सीधा अपन लिख सकते हैं mho, क्या आ गया mho, ये चीज आपका आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो, ये सारी चीजें और ये सब चीजें जो मैंने पढ़ाई है, ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, आया कि नहीं है। तो अपन क्लियर करते हैं कि ये चीज आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लो, और बराबर रफ रजिस्टर में नहीं, फेयर रजिस्टर में, क्लासमेट का बढ़िया वाला रजिस्टर में नोट करना है सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि आपको पता है एसी थ्योरी कितने वीडियो में पूरी हुई, ध्यान है ना अच्छी तरह से। तो आपको इतना लेंथी चैप्टर को मैंने एक एक चीज को विस्तार से और डिटेल में पूरा पढ़ाया है, और सवाल इसमें से ना आए तो दावा मेरा ज्यादा से ज्यादा संख्या बदल जाएगी, और कुछ भी नहीं होना, कोई भी एग्जाम दे लो दुनिया का जिसमें इलेक्शन थ्योरी आती हो और यहां ये सवाल ना आए ना, ये सवाल ना आए ना, तो दावा है मेरा, चैलेंज है, इसमें से सवाल जरूर बैठता है। और इस टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चनों को बच्चे छोड़ करके आते हैं जबकि उनको नहीं आता है कि सर ये कैसे करे, ये कैसे करे, आजकल वो नहीं रहा कि बेसिक आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा, अब
का जमाना नहीं है, मीडियम है जाएगा थोड़ा अच्छी क्वालिटी। अरे नहीं रे, बेस्ट एम बेस्ट और न्यूमेरिकल सवाल भी आने लगे हैं, और डीएमआरसी ले लो, डीआरडी लो, बेल लो, सेल लो, ऑर्डिनेंस लो, इसरो लो, या फिर आई टी इंस्ट्रक्टर लो, या यहाँ पर जितनी भी अपनी लोको पायलट टेक्नीशियन, जितनी भी दुनिया भर की एयरलाइन मैन लो, या फिर अपने यहाँ पर देख रहे टेक्नीशियन ग्रेड टू लो, कोई भी वैकेंसी ले लो, यूपीपीएससी वगैरह या टेक्निकल हेल्पर वगैरह, दुनिया की जो भी वैकेंसी अपनी आती है उसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आती है, तो इसका सवाल जरूर पूछा जाता है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपसे, इसका और इसका, इनमें से कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है, अतः इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे पढ़ाएंगे इसी तरह से नेक्स्ट सवाल। तो आपने ये उतार लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसी क्रम में अगर बात की जाए तो आपके इसमें भी सवाल आते हैं। इसमें सारे सवाल मैंने वैसे तो जो है जब इसके पिछले वाले वीडियो पढ़ाए तो उसमें भी इनमें कराए थे एक सवाल प्रत्येक का, ऐसा कोई नहीं छोड़ा, फिर भी मैं एक साथ सवाल यहाँ कराता हूँ डिफिकल्ट वाला, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे कंडीशन बनती है, सर कैसे आते हैं सवाल। तो चलो मैं आपको यहाँ पर इसमें जिक्र ही कर लेता हूँ कि कैसी स्थिति आपके साथ बनेगी और सवाल कैसे आएंगे। तो आइए मेरे साथ में, और अपन आज जब करते हैं इसमें सबसे जो डिफिकल्ट जो लग रहा है आपको, कौन सा लग रहा है उस पर ध्यान दो। तो बताइए सर, आपको जो चाहते हो कि सर कौन सा कराया जाए, तो देखिए आप बता दो मुझे, मैं वो करा देता हूँ। अब आप कैसे बताओगे, तो मैं समझाऊँ आपको, देखिएगा यहाँ पर समझने की कोशिश करना। चलो आपको लग रहा है कि ये सर हम कर लेंगे, इसमें भी हम जोड़ लेंगे, इसमें भी जोड़ लेंगे, इसमें भी कर लेंगे, सर आप तो ये बता दो ये सबसे डिफिकल्ट लग रहा ना, बोलो ना, यही कह रहे हो ना कि सर ये बता दो इसका कैसे आएगा, ये समझ में नहीं आता, थोड़ा सा ठप पड़ता है। अच्छा इसी को बताते हैं, राइट ना, अब तो है ना, मैंने बता दिया कि अंतर है बड़े में से छोटे को घटाना है। चलो मैं यहाँ सवाल देता हूँ पहले, अब ध्यान रखना है कि मैं यहाँ सवाल का नाम नहीं लिख रहा इस बार, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से पुटअप हो जाता, तो मैं इस चीज़ का जिक्र नहीं करूँगा। अच्छा मैं सीधा सीधा यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, कैसा है देखिएगा, ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर दो, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दो में अगर अपन चर्चा करते हैं तो क्या आएगा, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लिखिएगा क्वेश्चन तो क्या होगा, तो देखिएगा यूं है, किसी प्रत्यावर्ती सर्किट में, किसी प्रत्यावर्ती सर्किट में, ध्यान रखना, मैं रेजिस्टेंस का मान, रेजिस्टेंस का मान 40 ओम है, 40 ओम है, कितने ओम है, ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दम वाला आएगा पक्का, एक क्वेश्चन तय हो गया आपका, एक नंबर तो यहां पर कहीं नहीं जाने वाला। 40 ओम है एवं उसमें उसी पथ में प्रेरणीय प्रतिघात का मान, प्रेरणीय प्रतिघात 90 ओम है, क्या है 90 ओम, देखिएगा आराम से लिखिए, प्रेरणीय प्रतिघात मतलब यूं कह रहा है ये एक्स एल, ठीक है, शॉर्ट में समझो आप, 90 ओम है, कितना है 90 ओम, वह धारित्व प्रतिघात मतलब एक्स सी, धारित्व प्रतिघात मतलब क्या एक्स सी 40, सॉरी यहाँ 60 या 90 ना, तो यहाँ 60 ओम है, तो प्रतिबाधा जेड का मान बताइए दोस्तों,
बताओ, बहुत इजी है, ज्यादा कोई सरदर्दी वाला नहीं है क्वेश्चंस, बहुत इजी है। देखिएगा कैसे इजी है, मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले इसमें यूं देखिएगा, आपको क्या क्या चीजें गिवन है उस पर ध्यान दो सबसे पहले। तो मैं जो गिवन चीजें हैं इन पर ध्यान दूं, तो सबसे पहले मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है 40 ओम, 90 ओम, और यहाँ 60 ओम, और मुझे यहाँ पर जेड, ये तीन चार चीजें हैं। तो इनको मैं अलग कर लेता हूं। सबसे पहले मैं करता हूं यहां पर रेजिस्टेंस, तो प्रतिरोध। अब प्रतिरोध की अगर बात की जाए तो प्रतिरोध कितना है यहां पर, प्रतिरोध मतलब आर। तो आर की अगर बात की जाए तो आर यहां दिया गया 40 ओम, कितना 40 ओम। तो 40 ओम आपका क्लियर हो गया। चलो इसके बाद में यहां पर दिया गया 90 ओम प्रेरणीय प्रतिघात। तो प्रेरणीय प्रतिघात की अगर बात करता हूं, प्रेरणीय प्रतिघात, ठीक है, प्रेरणीय प्रतिघात की अगर बात की जाए तो प्रेरणीय प्रतिघात जो होता है वो होगा XL, बराबर ये दिया गया है 90, कितना दिया गया है 90 ओम। चलो यहां तक भी दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर का जो दिया गया है वो दिया गया है यहां पर धारित्व प्रतिघात। तो धारित्व प्रतिघात जो दिया गया है, धारित्व प्रतिघात, अब यहाँ पर देखो धारित्व प्रतिघात, तो इस तरह से कंडीशनें जो बन रही है ना उसको क्लियर करो। तो यहाँ इसमें गिवन है XC, अर्थात ये दिया गया है 40 ओम, ये यहाँ पर देगा साफ साफ, देखो वो 60 ओम, ये 60 ओम। तो इस तरह की कंडीशनें बन जाती है। अब इसको जरूरी नहीं है कि वो इसी फॉर्म में सवाल बनाए, उसको वो और भी तरीका अपना सकता है। मान लीजिए उसने यूं दे दिया चित्र में, क्या चित्र में क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन यूं चित्र में जेड का मान ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ जेड का मान ज्ञात करा रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन जब आ जाता है तो चित्र आपको दे दिया गया है। अब चित्र में वहां पर वो कुछ नहीं दे रहा है, केवल यहाँ जो दे रहा है वो दे रहा है जेड, क्या दे रहा है जेड, और यहाँ आपको दे रहा है, ध्यान देना दोनों चीजें, यहाँ पर जो चीज आप देख रहे हो ना, इधर देखो यहाँ पर जो चीजें देख रहे हो इसी चीज को मैं वहां पर, उसने वहां पर लागू किया है, याद रखना। तो आर आपके बिल्कुल दिया गया है यहाँ, यहाँ एक्स, और इसकी जगह क्या दिया गया है उसने एल, तो याद रखना है। और यहाँ पर XC भी दिया गया है, तो ये दोनों चीजें दी गई है, और यहाँ आर भी दिया गया, तो तीन चीज है, पहली दूसरी तीसरी, तीनों चीज दी गई। अब जेड आपके गिवन है, तो यहां पर देखिएगा, तो इसका मतलब मैं यूं कहूंगा, तो इसमें एक्स देखना, ये एक्स यूं कर देता हूं सीधा सीधा, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये लीजिएगा, ये दोनों के दोनों ही यहां इसमें गिवन है, ठीक है, जो कि आपके सामने है, अर्थात एक्स एल और एक्स सी, ये देख सकते हो। तो एक्स एल और एक्स सी अब आपको गिवन है। इसके बाद नीचे आर है, और आर आपको दिया गया, सॉरी ये आर वाला नहीं, नीचे वाला आएगा, ये इसमें नीचे वाला है, ठीक है, आर वाला नहीं ये, ठीक है। और यहाँ पर जेड प्रतिबाधा जो है, प्रतिघात जो है, यहाँ पर देखो प्रतिबाधा जो है आपकी वो क्या है, पूछी गई है, क्या प्रतिबाधा जो है पूछी गई, तो सेम यहाँ पर भी क्वेश्चन यही है। अब प्रतिबाधा पूछी गई, तो यहाँ ये दो चीज़ तो आपके सामने है, लेकिन आर का मान यहाँ पर है, तो ये तो चीज़ यहाँ पर होगी जिसको अपन एक्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आर का मान यहाँ गिवन है जो कि 40 ओम है। अब आपको यहाँ तीन चीज़ दे दी, अब तीन चीज में से इसी में से वो पूछ रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, या वहां ऐसे दे देता, वो ऐसे नहीं देता कि इसका मान ज्ञात कीजिए, यूं देता है क्या, तो यहां पर है ना एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दिया, अब आपको ज्ञात करना है, बड़ा कन्फ्यूजन होता ना, अब तो चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर वैल्यू आपको गिवन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सवाल का सूत्र यहाँ पर मिल ही रहा है, ये रहा, ये आ जाइए अपने साथ में। तो यहाँ पर अपन वही जेड बराबर क्या लिख देते हैं, बोलो बोलो बोलो, तो जेड प्रतिबाधा मतलब यहाँ पर सीधा सीधा जेड, और जेड की जब कंडीशन आती है तो सीधा आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा सूत्र लिखना है, तो जेड बराबर देखिएगा यहाँ पर आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वो बाकी प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, तो आर स्क्वायर इसको अंदर ले लो सुविधा के लिए, 40 ओम तो दिक्कत नहीं होगी, तो समय यहां पर जगह हो जाएगी, तो ये चीज आपका हो गया।
अब यहां पर क्या आएगा, तो सेम उठा लो, यहां से उठा लो, देखिएगा यहां पर क्या उठाओगे, इस चीज को ध्यान रखना है, तो r का स्क्वायर उठा लो, क्या उठाओ, r का स्क्वायर, और प्लस की जगह यहां पर प्लस डाल दो, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसको कोष्टक में डाल दो, कोष्टक में क्या, एक्स एक्स एल, अब माइनस करोगे यहाँ, अब ये जो भी बड़ा तो एक्सएल बड़ा, अपने से कैसे बड़ा, ये 90 और ये कितना है 60, तो इसका मतलब यही आएगा ना पहले, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, एक्स सी, एक्स सी, ये बात क्लियर होगी। अब यहां से आपको क्या करना है, जेड, क्या है जेड, जेड की जो कंडीशन आई है, ध्यान दीजिएगा, ये जो जेड अपना यहां पर आपने लिखा है, तो इसको क्लियर कर लो आप, तो क्लियर हो जाएगा आपको, तो ये चीज तो आपको यहां पर मिलेगी। तो मैं यहां पर अगला जेड, अब वैल्यू पुट अप कर देना है, तो जेड की जगह तो जेड, अब यहां जेड के बाद आर, आर की वैल्यू यहां से उठा लो, ये लीजिएगा 40, कितना है 40 का क्या है स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, कोई दिक्कत नहीं, एक्स एल की जगह 90, एक्स एल की जगह 90, कोष्टक की जगह कोष्टक 90, माइनस की जगह माइनस 60, एक्स की जगह 60, एक्स की जगह यहां माइनस के बाद एक्स का जगह 60, इसको कोष्टक में स्क्वायर की जगह स्क्वायर, सारी चीजें आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है कि देखिएगा यहां पर अगली स्टेप में जेड बराबर, यही सेम स्टेप है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेम स्टेप है। अब बात करते हैं यहां से लिया अपन, आगे बात करते हैं, तो 40 का स्क्वायर तो 40 ही आएगा, इसमें तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, 40 का अभी तो अपन 40 ही करेंगे, आगे करेंगे हल, तो यहाँ 40 स्क्वायर, इसके बाद में प्लस की जगह प्लस 90 जो दे रखा है, 90 में से 60 घटाओगे तो कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों, 30, कितना बच जाएगा 30, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर। अब इस चीज़ को यहाँ ले आओ, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ ले आओ, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, जेड बराबर, तो जेड बराबर यहाँ सुनो, ये 40 है, 40 का स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40 बराबर, यही तो होता है स्क्वायर, तो 4 को 4 से गुना करो तो कितना होगा 16, और एक जीरो और दो जीरो तो दो जीरो लगा दो तो 16 सो आ जाएगा सीधा सीधा, तो यहां रूट में ऐसे लो और सीधा 16 सो डाल दो। चलो ये कहां से है, इस 40 को स्क्वायर करने पर। चलो इसके बाद आता 30, 30 की बात करते हैं तो कितना होगा, तो 30 में अपन बात करते हैं तो 30 इंटू 30, तो 3 तो 3 3 को कर लो, तो यहाँ 3 और 3 कितने होते हैं 9, 9 के 2 जीरो लगा दो तो 2 जीरो लगी 900 आ गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस प्लस 900, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देने के बाद जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर 9 और 16 जोड़ो 25, 9 और 16 जोड़ो कितना 25, तो 25 तो ये आ गया, अब कितना 2 जीरो है तो 2 जीरो, तो ये 2500 आ गया, 2500 का कितना होगा यहाँ पर, तो बराबर 50 होगा, कितना होगा 50, तो ये रूट हट गया तो बराबर 50 आ गया। अब 50 क्या है, ओम, क्या आया, प्रतिबाधा का मात्र क्या हुआ ओम, तो ये 50 ओम आपका क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे दोस्तों, तो ये आंसर आपके लिए तैयार हो गया। तो उम्मीद है इस तरह से जो आपको वीडियो बनते हैं बहुत ही आपके काम आएंगे, आपको एक एक नंबर इकट्ठा करना है, और एक बात बताऊं, शॉर्ट एंड शूट में सिलेक्शन इस टाइप के क्वेश्चन दिलाते हैं, सिलेक्शन इस टाइप के क्वेश्चन दिलाते हैं, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है, सिलेक्शन इस टाइप के क्वेश्चन ही दिलाते हैं, बेसिक क्वेश्चन आपको सब बताते हैं, लेकिन डीपली कौन बताता है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूं कि यहां किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं, है ना। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में दिया, उनको भी आप उतार लेना, इसको भी उतार लेना, लगे रहो आप और हम मिलकर के चलेंगे, तब जाकर के देखिएगा एक दिन सफलता मिलेगी। देखिएगा यही चीज आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, तो बढ़ते रहो पढ़ते रहो, एक काम जरूर करना, आप अपने दोस्तों को इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, यकीन मानिए आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो का लाभ अपने गरीब दोस्तों को भी मिल सकेगा, और इससे जो भी कोई चाहते हैं दोस्त की सर वीडियो कोर्स लेना है मुझे, तो 250 प्लस क्लास चाहिए, तो मिल जाएगी www.jugalsir.com पर, सर मुझे तो सारी की सारी बुक्स चाहिए आपकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, मिल जाएगी www.jugalsir.com पर,
जगहों पर आपको मिल जाएगी, और या फिर फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हो तो आप जो है यहाँ पर, कहाँ, ये रहा 7414095095 पर आप कॉल कर सकते हो, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। आप एक बार नहीं दो बार सुबह ध्यान रखे 10 बजे से लेकर के शाम को, ध्यान रहे कि आप जो है 8 बजे तक ही इस पर कॉल करा करो, जिससे कि आपको आराम से सुव्यवस्थित तरीके से जवाब मिल सके। उम्मीद है आप इस जुनून के साथ, इस जज्बे के साथ कोई भी एग्जाम को फाइट कर लोगे। ये एग्जाम आपके, ये जो भी क्लास में दे रहा हूँ, सभी एग्जाम के लिए जिसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आती है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उम्मीद है ये सारी की सारी बातें आप फॉलो करोगे और आप और हम लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। पर थोड़ा 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 तिनका 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 उठा उठा करके अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। तो यही है, तो आपको भी हमें भी तिनका तिनका उठा करके अपन आगे बढ़ पाएंगे, देखिएगा। और इसी तरह से अपन संघर्ष करेंगे, संघर्ष करने के बाद सफलता जरूर मिलेगी, और अपन कोशिश करते रहेंगे, यकीन मानिएगा एक दिन अपन सफल हो जाएंगे। इसीलिए तो किसी महापुरुष ने कहा है, क्या कहा है, कि कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, और आज जो थमा थमा सा है वो कल चल निकलेगा, कोशिश कर तू हल निकलेगा, जल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, यकीन से निकलेगा, मेहनत का फल निकलेगा। ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ, तो आप लगे रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बस शेयर करना जरूर ना भूलना, और नए दोस्त छोटा और काम करना, बेल बटन को दबा लेना, जिससे कि समय समय पर अपडेट चीज आपको मिलती रहे। उम्मीद है ये सारी बातों के साथ अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।